ये तैयार हो गए हमारे एकदम सॉफ्ट और डिलीशियस दही वड़े। तो मैं आपको एक दिखाना चाहूंगी तोड़ के। ये देखिए कितना सॉफ्ट, केक जैसा जैसा सॉफ्ट होता है, कितना स्पंजी बना है। ये देखिए कितना स्पंजी है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नेहा एंड वेलकम टू द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माय किचन। और आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हम बनाने जा रहे हैं आज दही बड़े, और जैसे कि मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया था पहले में कि ये सॉफ्ट और स्पंजी कैसा बनाया जाए। तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कॉमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूले, और भी सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं। तो दही बड़े बनाने के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम दो दालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनरली जो दही बड़े बनते हैं वो उड़द दाल के बनते हैं, लेकिन हम दो दाल यूज करेंगे, मैंने आपको रीजन बताया था क्यों। और तो ये हमने ले रखी है धुली हुई मूंग दाल, और इसके जो वड़े हैं बहुत ही सॉफ्ट, और जब आप खाते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने बड़ा कुछ हैवी खाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने 2 कप मूंग दाल ली हुई है, और यहाँ पे हमने 1/2 कप उड़द दाल ली हुई है। तो इसका रेशियो क्या है, 4:1 का रेशियो है, तो बहुत ही सिंपल है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे हरी मिर्च ले रखी है, तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 बड़ी हरी मिर्च ली हुई थी और उनको रफली चॉप कर लिया। यहाँ पे अदरक जरूर डालें, अदरक डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने काफी बड़ा, आई थिंक तकरीबन इतना बड़ा जो है अदरक का टुकड़ा लिया हुआ था, और उसको मैंने भी रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ पे हमने जो है 1.5 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है। वो इसलिए लिया हुआ है कि हम बेकिंग पाउडर जब डालते हैं तो एक तो सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो वड़े हैं वो सॉफ्ट बहुत अच्छे बनते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है कि कभी कभार आपने देखा होगा कि लोग दही वड़े बनाते हैं तो उसके बीच में गुठलियां रह जाती हैं या हार्ड बनते हैं। तो अगर आप ये ट्रिक यूज करते हैं कि अगर आप बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, आपके दही वड़े गारंटीड है कि कभी भी वो हार्ड नहीं बनेंगे और उसमें बीच में गुठलियां कभी नहीं बनेंगी। और साथ में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो दही बल्ले सर्व करने के लिए या उनकी गार्निशिंग करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी। तो हमने यहाँ पे जो है दही ले रखा है, और जैसे कि आपने देखा है कि ये जो है दही काफी गाढ़ा है, तो गाढ़ा दही रहे तो काफी अच्छा टेस्ट आता है। और उसके अलावा हमने यहाँ पे ले रखी है इमली की चटनी, जिसको हम सौंठ भी बोलते हैं। और अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है। और हमने थोड़ी सी ले रखी है यहाँ पे धनिया की चटनी, अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए तो इसकी भी इसका भी जो रेसिपी का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और ज्यादा कुछ नहीं, हमने यहाँ पे ले रखा है भुना हुआ जीरा, चाट मसाला, नमक और लाल मिर्च। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो मूंग दाल और जो उड़द दाल थी वो दोनों हमने मिक्स कर दी थी, और उसको काफी अच्छे से हमने धो लिया था, और तब तक धोया था जब तक जो सफेद पानी है वो निकल ना जाए और क्लियर पानी ना आ जाए। और प्लीज हमेशा अपनी दाल को अच्छे से धोएं, क्योंकि दालों में पाउडर मिला होता है, सो दैट कि वो आपस में चिपके नहीं। इट्स अ टाइप ऑफ अ केमिकल, तो भाई केमिकल क्यों पेट में डालना। तो आप जो है अच्छे से वॉश करके, और तकरीबन मिनिमम कम से कम 5 घंटे या 4 घंटे इसको भिगो के रखें। और भिगोने के बाद आप जैसे कि देख सकते हैं इसका जो साइज है वो अपने आप में डबल हो गया है, काफी ज्यादा क्वांटिटी हो गई है। और मैं आपको रीजन बताऊंगी कि मैंने इतनी सारी क्वांटिटी क्यों लिखी है, ली है यहाँ पे। तो आप मेरा वीडियो देखिएगा और मैं आपको बताऊंगी कि क्यों है, क्योंकि हम छोटी सी एक ट्रिक और जरूर शेयर करेंगे कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सिंग जार ले लिया है, और इसमें हम अपनी जो दाल है वो डाल देते हैं, और पानी जो है जितना कम आप यूज कर सकें उतना बेटर है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर आपको डालना भी पड़े तो आप तकरीबन 1-2 चम्मच आप डालें, और उसको काफी गाढ़ा पीसना है हमें। तो ये हमने डाल दी अपनी दाल, और इसके साथ हम डाल देते हैं इसके अंदर अपनी अदरक। तो इसको मैं 2-3 बैच में इसको अलग अलग पीसूंगी, क्योंकि ऑफकोर्स एक में तो नहीं आता यहाँ पे ये। तो ये ऐसे करके, और इसको हम बिल्कुल महीन पीस लेंगे, बिल्कुल महीन पीसना है हमें। तो अब जैसे कि देख सकते हैं जो ये हमारी दाल है ये हमने बिल्कुल बारीक पीस ली थी, ये देखिए। और इसको जो है हम एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेते हैं, और इसी तरह से अपनी जितनी भी बची हुई दाल है वो भी हम पीस लेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं जो हमारी दाल है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, हमने इसको पीस लिया था। और अगर आपको लगे कि थोड़ा सा पानी यूज करना, हमने बहुत कम पानी यूज किया था, तो अगर आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें तो जैसे ये देखें, ये देखिए ये हमारी कंसिस्टेंसी है। और जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो सब कलर है वो काफी येलोइश में है, और एक टेस्ट करके मैं दिखाती हूँ। तो अगर हमने छोटी सी ये ली है और इसको अगर हमने पानी के उसमें डाला है तो ये बिल्कुल नीचे है अभी, ठीक है।
अब इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल फेटेंगे, जब तक ये लाइट ना हो जाए। तो इसको हम फेटते हैं 5 से 7 मिनट के लिए। और जैसे कि देख सकते हैं कि इसको हमने 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से जो है फेट लिया था, हाथ से ही हमने फेटा था। ये ऐसे ऐसे हम फेटते रहे, तो जैसा देख सकते हैं पहले जो कलर था इसका बिल्कुल पीला था, अब ये बिल्कुल क्रीमिश येलो हो गया है, काफी क्रीमिश व्हाइट टाइप का हो गया है। और आप जब हमने पहले जो बैच डाला था कटोरी में तो वो नीचे सेटल हो गया है। तो अब हम देखते हैं, क्योंकि आपने इसको अच्छे से फेट दिया था, तो हम एक छोटी सी लेके लोई ये हम इसमें डालते हैं। और ये देखिए ये ऊपर तैरने लग गई है, इसका मतलब जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है तलने के लिए। तो ये हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, उसमें तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, तो तेल हमारा गर्म हो रहा है और ये जो हमारा मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है। तो इसमें हम डाल देते हैं हींग, तो इसमें हमने ये हींग डाल दी। इससे क्या है टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और ये जो हम बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, तो ये बेकिंग पाउडर डालने से क्या होता है कि एक तो गुठलियां नहीं बनती हैं और जो हमारी पकौड़ी है बिल्कुल सॉफ्ट बन के आएंगी। तो ये हम इनको आपस में मिक्स कर देते हैं अच्छे से। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं कि तेल गर्म हुआ है कि नहीं। तो एक हम छोटी सी पकौड़ी लेके इसमें हम डालते हैं। ओ वाह जी वाह, तो ये देखिए ये ऊपर ही तैर रही है, इसका मतलब जो हमारा तेल है वो बिल्कुल रेडी है। तो आइए हम बनाते हैं अपनी पकौड़ियाँ, इसमें तलते हैं। और जो हमारी फ्लेम है गैस की, हमने इसको लो मीडियम करके रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने चम्मच लिए, आप चाहे तो हाथ से भी पकौड़ियाँ तोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे चम्मच से ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो जो चम्मच है वो मैंने पानी में डिप की, और यहाँ पे ये ऐसे जितनी बड़ी आपको पकौड़ी बनानी है उतनी बड़ी पकौड़ी ली आपने, और ये इसके अंदर आपने ये छोड़ दिया ऐसे करके। उसी फिर उसके बाद आपने चम्मच को वापस डिप किया हल्का सा पानी में, ये उठाया आपने और इसमें छोड़ दी। और हम गैस जो है हल्की सी मीडियम कर देते हैं। इसी तरह से हम अपनी सारी जो पकौड़ियाँ हैं ये तोड़ते चले जाएंगे। तो ये हमारी जो दही बड़े हैं ये हमने सारे इसके अंदर डाल दिए जितने आ सकते थे, और जो गैस की जो फ्लेम है वो हमने खाली मीडियम ही रखनी है। ज़्यादा तेज पे करेंगे तो ऊपर से तो वो पक जाएंगे लेकिन नीचे से अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो ये एक बार हमारे पक जाएंगे फिर हम इसको हल्का सा इनको दोबारा नीचे से पलट देते हैं। तो अब जैसे कि हमें लगता है कि नीचे से हमारी जो पकौड़ियाँ हैं वो नीचे से सिक गई हैं, तो इनको हम एक एक करके सारी पकौड़ियों को पलटते चले जाएंगे। ये देखिए, और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती हैं तब तक इनको हम तब तक इनको हम फ्राई करेंगे। तो अब जैसे कि देख सकते हैं ये जो हमारे बड़े हैं काफ़ी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। सो ये हम एक एक करके इस साइड से इसका एक्सेस तेल निकाल के, और एक पेपर टॉवल हमने एक प्लेट पे डाल लिया था सो दैट कि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा ऑयल है तो वो भी निकल जाए। और इसी तरह से हम अपने जितने भी बाकी बचा हुआ मिक्सचर है उसके हम बड़े बनाते चले जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारी पकौड़ी है वो कितनी सॉफ्ट है। तो ये हमने जैसे ये इसको हम खोलते हैं, ये देखिए ये देखिए, ये अगर हमने ऐसे किया तो ये अपने आप ऊपर उठ के आ रही है, तो बहुत सॉफ्ट है। और ये हमने अंदर से खोल के देखी, ये देखिए कितनी स्पंजी, ऐसा लगता है जैसे स्पॉन्ज केक, वनीला केक का जो स्पॉन्ज होता है बिल्कुल वैसी बनी है। और उसके अलावा अगर आप देखें इसमें कोई गुठली नहीं बनी है, जैसे बहुत से वड़ों में गुठली बन जाती है, तो बिल्कुल गुठली नहीं बनी है। तो ये बहुत ही बड़ी और मज़ेदार बने हैं। तो हमारे दही बड़े जो है बिल्कुल बनके तैयार हो चुके थे, तल लिया था हमने थोड़ी सी मेहनत करके। तो ये देखिए कितने सारे दही बड़े बन गए। तो मीन्स 2 कप मूंग दाल और आधी कप उड़द दाल में हमारे 85, मैंने इनको गिना है तो 85 दही बड़े बन गए हैं टोटल काउंट्स में। तो अब आप सोच रहे हैं इतने सारे दही बड़े क्या कर रहे हैं, दही बिल्कुल सही है आपका सोचना, लेकिन मेरी फ्रेंड है मेघा, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे बोला कि यार मैं तो क्या करती हूँ फ्रीज कर देती हूँ। तो मैंने कहा राइट, तो मैंने कहा फ्रीज करने से फिर जब बाद में हमें यूज करना है वो कैसे करेंगे, तो उसने कहा यार बहुत ही आसान होता है। तो आज जैसे ये दही बड़े हमारे फ्रेश हैं तो आप उसको गर्म पानी में नमक डाल के आप फ्रेश की फ्रेश बना सकते हैं। और बाकी के जितने बचे हुए दही बड़े हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। तो हमने यहाँ पे कोई भी प्लेन साफ प्लास्टिक ले ली है, और इसके अंदर तो मैं क्या करती हूँ कि बैचेस बना लेती हूँ। तो गिन के जैसे मैंने 15 से 20 एक
लिफाफे में। तो जैसे ये मैंने टोटल गिन के सपोज करिए इसमें 15 रख दिए और इनको ये ऐसे किया और इसमें लगा दी गांठ और ये ऐसे बंद करके इसको मैं रख देती हूँ फ्रीजर में 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना। इन दही बड़ों को कुछ नहीं होता, तो जब आपके घर में कोई आने वाला है कुछ नहीं करना है आपको, फ्रीजर में से इसको निकालना है और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पानी है काफी गर्म है हमारा, यहाँ पे गर्म पानी लिया हुआ है हमने और उसके अंदर हम डाल देंगे नमक। और नमक में डालने में कंजूसी इसलिए ना करें क्योंकि हमने अपने वड़ों के अंदर बिल्कुल भी नमक नहीं डाला था, तो हम नमक वाला पानी ज्यादा बना, तो जब हम अपने वड़े भिगोएं नमक वाले पानी में तो उनके अंदर हल्का सा नमकीन टेस्ट आ जाए वड़ों में, तो वो फीके नहीं लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो ये पानी है काफी गर्म है और इसके अंदर जो हमारे, अगर आपने जो दही बड़े हैं फ्रेश बनाए हैं उसी दिन बनाए हैं तो आप गर्म पानी में, जैसे ये काफी गर्म पानी है तो गर्म पानी में आप तकरीबन उसको आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन अगर फ्रीजर से निकाले हुए हैं तो आप दही बड़ों को जो बड़े हैं आप उसके अंदर डालें और 1-2 मिनट तक गैस ऑन रहने दें और बंद करके फिर ढक के रखेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा पानी जो है काफी गर्म है, तो इसमें हम डाल देते हैं अपने वड़े। ये हमने डाल दिए अपने वड़े इसके अंदर और इनको जो है हम छोड़ देते हैं 15 मिनट के लिए और इसको हम ढक देंगे। और अगर ये, जैसे कि मैंने आपको दोबारा पहले भी बोला है कि अगर फ्रीजर में है तो गैस ऑन करके 1-2 मिनट के लिए पकाएं उन वड़ों को और उसके बाद गैस बंद करके 15 मिनट के लिए रख देना है। तो 15-20 मिनट हो चुके थे और आप जैसे कि देख सकते हैं जो हमारे दही वड़े हैं वो फूल के डबल हो गए, कितने बड़े बड़े हो गए। तो ये हम साफ हाथ ले लेते हैं और ये जो दही वड़ा है ये हाथ में लेके ऐसे ये प्रेस कर लेते हैं और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने ये सारा पानी निकाल लिया एंड द बेस्ट थिंग इज कि भिगोने के बाद सॉफ्ट तो हो ही जाते हैं, इसके साथ साथ तो इसमें एक्स्ट्रा तेल जो होता है वो भी निकल जाता है। इसी तरह से जितने भी हमारे बचे हुए बड़े हैं इनको हम निचोड़ते चले जाएंगे। तो भाई मेरे पास दोना तो मुझे नहीं मिला लेकिन उसके जगह मुझे ये बैम्बू वाले ये प्लेट्स मिल गई, तो मैंने कहा इसी में खाया जाए, भाई पूरी फीलिंग लेनी चाहिए। तो ये जो दही वड़ा है ये हम ले लेते हैं और इसके साथ साथ इसमें हम हल्का सा बीच में से कट लगा देंगे, चम्मच से ही लगा देंगे। उससे क्या होगा कि जो दही है वो अंदर चला जाएगा और उससे जो टेस्ट है वो हमारा बहुत बढ़िया आ जाएगा। तो मैं एक बार आपको दोबारा करके दिखाती हूँ। तो ये हमने वड़ा लिया, ये डाला और चम्मच से हल्का सा इसमें कट लगा दिया और इसमें डिप कर दिया दही में और ये हमने ऐसे करके ये हमने सर्व कर दिया। तो इसी तरह से बाकी के बचे हुए सारे जो वड़े हैं ये हम प्लेट में ऐसे ही लगा लेंगे। तो ये हमने जो है वड़ों पे डुबो दिया था, इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दही डाल देते हैं, भाई कंजूसी नहीं करेगा, दही वड़े हैं तो मीन्स दही उसमें ज्यादा डलेगा। ये देखिए वाह जी वाह। तो यहाँ पे हमने दही डाल लिया है और हम अब डालते हैं चटनी। तो इस पे हम डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया की चटनी ये हम डाल दी धनिया की चटनी इसके अंदर और ये हम डाल देते हैं सॉल्ट इस पे। वाह जी वाह क्या कहने। और इसके साथ साथ हम डाल देते हैं इस पे भुना हुआ जीरा, इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च और फाइनल गार्निशिंग हम कर देते हैं हरे धनिए के साथ। तो जी ये तैयार हो गया हमारा दही वड़ा, कितना टेम्पटिंग लग रहा है भाई, मेरे से तो रुका नहीं जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं उससे पहले कुछ और पहले ही शेयर करूं, मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए
है ना, सुंदर लगी है ना। तो ये मैंने अपनी जो मेहंदी है ये मैंने करवा चौथ पे लगाई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं। तो आप लोगों ने भी अगर लगाई है तो प्लीज मुझे बताएं, फिर मैं भी आप लोगों के डिजाइन देखना पसंद करूंगी। तो ये जो है हमारे यम्मी ठंडे ठंडे दही वड़े जो है बिल्कुल तैयार हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था कि जैसे स्पॉन्ज होता है, केक का स्पॉन्ज होता है, बिल्कुल वैसा ही सॉफ्ट है ये। तो ये देखिए मैंने दोबारा दिखाती हूँ कितनी आसानी से कट गया। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई गुठली नहीं है, तो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, तो पहले हम खा लेते हैं। इतने सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही घुल जा रहे हैं। तो भाई एक से मेरा क्या होगा। तो भाई आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? तो कुछ चीजें आपके घर में मूंग दाल, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो मूंग दाल होती है वो उसका जो नेचर होता है वो काफी हल्की होती है, बादी नहीं करती है, प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो वाई नॉट कि इतने सॉफ्ट और मूंग दाल के बड़े अगर जब घर पे हम इतने अच्छे बना सकते हैं तो बाहर से क्यों खाने। तो आप इसको चाहे दही बल्ला बोलिए, दही बड़ा बोलिए, और जैसे कि बहुत से लोग दही बड़ा भी बोलते हैं, तो जो भी नाम लीजिए भाई खाने से मतलब है। तो सबसे मेन चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक तो ये हमने सॉफ्ट और स्पंजी दही वड़े तो बना लिए, लेकिन जो बेस्ट पार्ट है कि हम इन दही वड़ों को फ्रीज भी कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना कि हम इनको फ्रीज भी कर सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 महीने इन दही वड़ों को कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना है कि जैसे ही हम अपने वड़ों को तल लेते हैं, तलने के बाद जब वो ठंडे हो जाते हैं तो पानी में नहीं भिगोए उसको, वो जो सूखे वड़े हैं उनको आप किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में, नॉर्मल पॉलिथीन में, उनको बांध के बैचेस में फ्रीजर में रख दीजिए। और आपको जब भी खाना हो तो आपने क्या करना है कि फ्रीजर से निकालें उनको, जब भी आपको जरूरत है फ्रीजर से निकाल के वड़ों को एक पैन में गरम खौलता हुआ पानी रखें, उसमें नमक डालें, और अपने जो ये फ्रीजर से निकले जो वड़े हैं आप उसमें पैन में डाल दीजिए और ढक दीजिए। 3 से 4 घंटे के लिए उन वड़ों को गरम खौलते हुए पानी में उनको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख दें, और फिर उसके बाद आपके तैयार हो गए वड़े। तो उनको दबाइए, प्रेस करिए, उसका पानी निचोड़ के दही डाल के, चटनी डाल के, मसाले डाल के सर्व करिए। तो भाई मैं तो हमेशा यही करती हूँ, तो मेरे फ्रीजर में हमेशा दही वड़ों का स्टॉक होता है। कभी भी कोई बोलता है जी हम डिनर पे आ रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल आइए। तो जो भी चीज होती है उसके साथ मैं दही वड़े जरूर सर्व करती हूँ, और जो है मेरा जो डिनर है वो बहुत अच्छा और लाविश हो जाता है। तो आप लोगों को अगर हमारी आज की ये टिप पसंद आए तो प्लीज जो है कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, और आप लोग भी फ्रीज करके देखिए, एंड आई विल से वाह जी वाह क्या टिप है जी। और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको आता रहेगा, और इसी तरह से आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं करेंगे। तो आप सभी लोगों को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं भाई, बनाइए, खिलाइए और खूब सारे मजे कीजिए। तो अभी के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।